क्लास में हमने अपनी डिज़ाइनिंग, अपने होम पेज की, अपने मेन पेज की, अपनी कैटेगरीज़ की, इसकी कस्टमाइजेशन, इसकी सेटिंग्स, हमने हर चीज़ देख ली थी अपनी। ठीक है, अब इस वाले थीम के अंदर क्या है, हमारे पास इस थीम की प्रीमियम वर्जन अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ अच्छा, अब दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पर मसला एक हमें क्या आ रहा है, एक मसला ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। नीचे आते हैं, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो मैं इनकी साइज़िंग थोड़ी स्मॉल करना चाह रहा हूँ, या किसी जगह में कलर्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, जो कि अभी हमारे पास थीम की सेटिंग में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जो प्रोग्रामिंग वाले होते हैं, इनके जिनको कोडिंग आती होती है, वो क्या करते हैं, वो तो CSS को सिलेक्ट करके वो वहाँ से वो सेटिंग चेंज कर लेते हैं एक प्रोग्रामर। लेकिन एक वर्डप्रेस वाला बंदा कैसे करेगा? ठीक है, जो यानी कि कोडिंग वाला भी, जो कोडिंग आती होगी, वो वर्डप्रेस में कोडिंग करके उस चीज़ को सेटल कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कलर चेंज करने का, तो हमारे पास एक प्लगइन होता है, उसका नाम है येलो पेंसिल। तो मैं न्यू टैब में ओपन करके ना WP लॉकर पे ही जाकर WP लॉकर पे चले जाएँ, या GPL लास्टर पे चले जाएँ, जहाँ आप लोगों को दिल हो, जहाँ से आप लोगों को प्लगइन मिल रहा हो। येलो पेंसिल पड़ा हुआ है, ये देखें क्या है, विजुअल वर्डप्रेस डिज़ाइन एडिटर, देख रहे हैं। तो हमें सीधे सीधा वाज़े हो गया कि भाई ये वाला हम इस प्लगइन के थ्रू अपने डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं। आ जाते हैं भाई, डाउनलोड करना तो हम सबको आता है। चलो, ये मेरा प्लगइन डाउनलोड हो गया, येलो पेंसिल, और ये ऑलरेडी जिप में है, तो मुझे इसको जिप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस कभी कभार ये एरर भी आता है कि भाई हमारे पास ना फाइल यहाँ पे शो करा होगा जिप, लेकिन फिर भी जब हम लोग उसको अपलोड करेंगे ना, वो देगा एरर। तो हो सकता है कि भी उस वाले जो डेवलपर था, उसने रेयर में ना फाइल बनाई, उसने जिप में बनाई हो, तो यानी कि आपको जिप को भी एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर जाना पड़े, हो सकता है। तो अब मैं अपना प्लगइन अपलोड कर लेता हूँ, उसके लिए हम लोग प्लगइन में आते हैं, सिंपली ऐड न्यू प्लगइन। अपलोड and install now। चलिए, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको हम लोग कर लेते हैं एक्टिवेट। अब इस वाले प्लगइन को यूज़ कैसे करना है, इसको रिफ्रेश करें पेज को। ये देखें, एडिट पेज का तो ऑप्शन नहीं ना आ रहा था, लेकिन एडिट विद येलो पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास कि भी सिंगल पेज के ऊपर सिंगल पेज की एडिटिंग करना, और एक हमारे पास होती है ग्लोबल, यानी कि हर पेज पर वो सेटिंग अप्लाई हो जाए। लेट्स से मैं इस वक्त की जो स्पेस है, मैं इसको मैनेज करना चाह रहा हूँ, थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, तो मैं ग्लोबल पे रखूँगा ना, क्योंकि हर पेज के ऊपर वो स्पेसिंग कम होगी हमारी। तो मैं यहाँ से ग्लोबल पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ होती है कर्सर पे क्या होगा, खाली वो घुमाएगा माउस को। फिर एक हमारे पास होगा फ्लेक्सिबल इंस्पेक्टर और एक होगा सिंगल इंस्पेक्टर। सिंगल इंस्पेक्टर सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा, जबकि फ्लेक्सिबल उस पूरे पूरे ब्लॉक को भी। लेट से अब मैं एक को क्लिक करूँगा, अगर एक कलर मैं चेंज करूँगा तो सारों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे पे यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं कि पैडिंग ये स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे, जो हमारे पास वैसे ऑप्शन नहीं था काम करने का। ये होगी कम, फिर आ जाते हैं, मैं कहता हूँ, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसकी टॉप से भी थोड़ी ज़्यादा पैडिंग है, इतनी इनफ है। फिर सेव कर देना है, जब सेव्ड हो गया फिर आप एक दफ़ा साइड साइड पे अपना प्रीव्यू भी देखते रहें। ये देखें अब ठीक लग रहा है, पहले स्पेसिंग बहुत ज़्यादा थी हमारी यहाँ पर, और अब मैं जिस कैटेगरी के ऊपर भी जिस पेज के ऊपर भी जाऊँगा हमारी स्पेसिंग उतनी ही आ रही होगी। लेकिन यही चीज़ अगर मैं एक दफ़ा अंडू करूँ, कंट्रोल 3 से अंडू हो जाता है, और यहाँ से मैं सीधे होम पेज क्लिक करूँ और इसको कम करके मैं सेव करूँ, मेरे मेन पेज पर तो थोड़ी सी कम है लेकिन बाकी पेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ही है। ये होता है कि भी खाली होम पेज और ग्लोबल में फ़र्क, कि खाली एक पेज पे कर रहे हैं या सारे पेजेस के ऊपर कर रहे हैं। फिर अगर आपने देखना हो, आप कह रहे हो कि पिछले सर हम लोग तो कोडिंग को छेड़ रहे हैं इसकी, तो कहीं ऐसा ना हो कि भी इसका मोबाइल व्यू ख़राब हो जाए, ध्यान रखना होता है। तो ये आर रिस्पॉन्सिव मोड यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड ओके है। अगर बुरा लग रहा हो, थोड़ा और काम करना हो तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मोबाइल व्यू हमारा रिस्पॉन्सिव ही है, हमारा मोबाइल व्यू ख़राब नहीं है। या फिर आप कहते हैं मोबाइल व्यू में से हम इस वाली चीज़ को रिमूव ऑफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भी कोई ऐसा ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव का, पोजीशनिंग आ रहा है, मेयर्स आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है, शेडो है, फिल्टर्स है, मोशन है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में क्या पड़ा हुआ है, विजिबिलिटी लिखा हुआ आ रहा है, मैं ऑफ़ कर देता हूँ। हम इस टाइम दो मोड्स में हैं, देखिए डेस्कटॉप मोड में वो ऑन है, और जब मैं मोबाइल मोड में जाता हूँ, मोबाइल मोड में कैसे जाते हैं, पर क्लिक करके, तो मोबाइल व्यू से वो गायब है। ठीक है, और अब करने का तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मोबाइल व्यू हमें इतना अच्छा लगता है, ये देखें। ठीक है, या फिर आप कहते हैं मोबाइल व्यू में हम लोगों ने एक और पंगा लेना है, हम चाहते हैं हम इसको अपने हिसाब से एडिट करें, ये चीज़ यहाँ आ रही हो, और ये बड़े मज़े का प्लगइन है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, और ये चीज़ हम लोग यहाँ रखना चाह रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा और छोटा हो जाए, साइज़ ये ले। अब ठीक है, मोबाइल व्यू इसका कुछ नया बन गया ना, खाली उन्हीं चीज़ों को आगे पीछे करके मैंने बना लिया। अब करने का तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये लोगो इधर ही रहे, ये नेविगेशन है, इसका मैं साइज़ कम नहीं हो रहा, चलो छोड़ें इसको, मैं उठा के मैं कहता हूँ मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ। अब ये वैसे हमारे पास याद रखने के लिए ऑप्शन नहीं है, ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया। सिंगल सिंगल आइटम को हमें सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे पोजीशनिंग भी आ रही होती है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं बिल्कुल एक नया डिज़ाइन रेडी करूँ अपनी पसंद का, कि मुझे ये वाला लेआउट पसंद था, चाहे गलती मम्मी ऑप्शन दे या ना दे, हमने कर लिया बिकॉज हम ब्रिलियंट हैं। ये अब ओके, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया, एक नया लेआउट भी आ गया हमारे पास। देखते हैं क्या वो ठीक है। यहाँ से तो ठीक है, लेकिन इस स्क्रीन के लेआउट के लिए ना थोड़ा सा मसला आया है इसके अंदर, तो कोई नहीं, हम इसको ये कर लेते हैं क्योंकि ये टैबलेट मोड है बेसिकली। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 610 पिक्सल या फिर स्मॉलर स्क्रीन्स। मैं यहाँ पे करता हूँ 3 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये मसला था ना। ठीक है, तो इस तरीके से करके इसको साइड पे लगा दें। ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक चीज़ ऑन हो रही है और यहाँ पर भी एक चीज़ ऑन हो रही है, ये ब्लू यानी कि इस लिहाज से ये सेटिंग कर रहे हैं। बस इधर एक ऑप्शन ही मुझे मिल रहा, ये ले इजी वे। ठीक हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि जहाँ कोई काम नहीं ना हो रहा होता, मैं येलो पेंसिल लगाता हूँ, उसके थ्रू मैं इस वेबसाइट के अंदर आके मैं चेंजेस कर दिया करता हूँ जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है। अभी वैसे ये चीज़ें इम्पॉसिबल थी। ये अब मोबाइल व्यू मेरी पसंद का बन गया। अब बारी आ गया, मैं आ जाता हूँ बाहर वापस डेस्कटॉप पर। देखें डेस्कटॉप हमारा वैसे ही है, डेस्कटॉप हमारा ख़राब नहीं हुआ। इस पूरे पे ज़रा क्लिक करते उसको थोड़ा छोटा करने का ट्राई करते हैं। छोटा तो वो कर रहा है, लेकिन एक मसला भी कर रहा है। चलें, थोड़ा छोटा कर लिया मैंने, सिलेक्ट करके बाकी आप इसके लेमन इसके लिहाज से कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ मैंने इसे करने कलर्स के साथ पंगे लेने हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें बैकग्राउंड वाले के ऊपर, इस पूरा जिसके ऊपर की सिलेक्ट हुआ वो आ रहा हो। आप लोग हैं बैकग्राउंड के ऊपर कलर का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप कहते हैं हमने कलर देना ही नहीं है, हमने यहाँ पर देना है कोई ग्रेडियंट। ठीक है, या फिर आप कहते हैं हमने ग्रेडियंट भी नहीं देना सर, हमने एक चीज़ सुनी है, वो एक चीज़ होती है पैटर्न। वो पैटर्न क्या होता है? ये आ रहा है पैटर्न, अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या ये सारे डिज़ाइन में बैकग्राउंड को भी दे सकता हूँ? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, हमने जस्ट क्लिक से करने हैं। अच्छा, फिर आप कहते सर हमने पैटर्न भी यूज़ नहीं करने हैं, हमने सुना है कि यहाँ पर इमेजेस भी लग जाया करती हैं। मतलब मैं फिलहाल यहीं से कोई भी इमेज यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं। मैं ये इमेज लगा के यहाँ पर देखता हूँ, ये देखा यानी कि लगाने का हम लोग यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे पैटर्न हो, चाहे ग्रेडियंट हो, चाहे इमेज हो, हम यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं, हमारा मेन ख़राब रह गया ये फुटर एरिया। ये क्या मजाक है, ठहरे मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। ये कोई गड़बड़ हुई है मेरे से शायद। अच्छा चलें, इसका बैकग्राउंड कलर पहले तो ब्लैक था ना। ओह अच्छा, ये कलर अप्लाई हो गया बेसिकली यहाँ पर। ये अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करके पहले मैं इसका कलर तो हम ये रखना चाह रहे थे ना, ये ले आ गया हमारा पसंदीदा। या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर दिया सिर्फ, ठीक हो गया। अब क्या हम यहाँ पर इन टेक्स्ट की कलर भी चेंज कर सकते हैं? वैसे हमारे पास इस चीज़ का ऑप्शन थीम के अंदर भी है, हम वहाँ पे भी जाके टाइपोग्राफी में भी दे सकते हैं। तो भैया इन कलर्स को आप यहाँ से ना छेड़ें। अब हम आ जाते हैं फुटर के ऊपर। मेन मसला हमारा यहाँ पर है, ये क्या हुआ, गड़बड़ होगी, नीचे वाइट स्पेस है ऐड हो रही है। तो आप इनर वाले को छेड़िए, जो इनर है। ये ले एंड सेव। ये गड़बड़ थोड़ी सी हुई है, चलो समझ आ गई। फिर आप क्या नहीं, अब फिर आप मुझे बताएं इसका मैंने कलर फुल वाइट करना है, इसका कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे क्लिक करूँगा ना मैं, ज़रा यहाँ से आ जाऊँ सिंगल इंस्पेक्टर के अंदर, टेक्स्ट में आता हूँ। ये क्योंकि ये वो सेटिंग्स हैं जो कि हर पेज के ऊपर चलनी है, तो हर पेज, इसलिए मैंने इसको ग्लोबल पे रखा है। अगर आपने सिर्फ इस पेज के ऊपर सेटिंग करनी होगी तो खाली आप इस पेज को फिर यहाँ से करेंगे होम पेज, ठीक है, कि चीज़ को ऑफ करना हो, ऑन करना हो, हर चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं कि भाई सर ये ब्लू ब्लू आ रहा है, हमने तो ये भी वाइट ही देखना है। तो यहाँ पर क्लिक करें, टेक्स्ट में आए, ये ले, ये आप कहते हैं हमने इसको ब्लैक रखना है। ये ले सिंपल कर दिया मैंने, वो अंडरलाइन तक रिमूव हो गई यहाँ से हमारी। क्लियर है? और बताएं और क्या सेटिंग आप लोग करना चाह रहे होंगे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ को अगर पंगा लेना हो तो किसी के साथ हम लोग छेड़ेंगे उसको। किधर ये हाँ, तो आप इसको आप ये करें, सिलेक्ट रखें, इसको करके थोड़ा सा नीचे ये ऐसे कर दें, ऊपर की स्पेस और नीचे की स्पेस को देख के इनफ। ठीक हो गया। अब रेडी है हमारा डिज़ाइन। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ के साथ एक पंगा लेना चाह रहा हूँ। इन बटन्स के साथ मैं इन बटन्स के बैकग्राउंड के ऊपर कलर चाहता हूँ। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि ये खाली स्पेस के ऊपर होगा और किसी जगह पे नहीं आएगा। और हाँ नहीं, ये तो खाली बटन्स का हो रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर के टेक्स्ट कलर को मैंने ये कर दिया। लेकिन ये तो बटन अब बुरा लग रहा है। ये देखें ये कैसा बटन है। स्पेसिंग ऑप्शन आ रहा है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग और ये ज़्यादा होगी, 5-5 की दे देते हैं ऊपर से नीचे से। ये ले बटन तैयार हो गए। अब मैं इनको राउंड भी करना चाहता हूँ, तो मैं राउंड कैसे करूँगा? बॉर्डर रेडियस में अगर चारों तरफ से करना है तो 15-15 का चारों तरफ दे दें, या जितना मर्जी, जितना आप लोगों को ठीक लग रहा हो। ये लैब हमने कैसी चीज़ तैयार कर ली है जो कि पॉसिबल नहीं थी। ये ले अंदर भी हो गया। ये देखें, क्योंकि हमने पोस्ट को छेड़ा था ना और ग्लोबल पे छेड़ा था, तो अंदर भी हो गए। यानी कि मेरा सिंगल पेज की डिज़ाइन से मतलब था। आपको बताता हूँ, लेट्स से इस पर खाली ये चीज़ इस वाले पेज पर लगी हुई है, तो आप खाली चाहेंगे ना कि खाली यहाँ पर उसके चेंजेस हों, तो तब आप यहाँ से खाली होम पेज या जिस भी पेज का नाम होगा वो पेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप ग्लोबल ही रखेंगे। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ थी, मैं कह रहा था कि यार मैं ये ऑफ़ करना चाह रहा हूँ, ये ब्रेड क्रम। अब आप लोगों को पता है कि बी ऑफ कैसे होनी है, कैसे ऑफ होनी है। हमने वहाँ से ट्राई की थी, वहाँ से हुई थी ऑफ? नहीं ना हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो प्रीमियम में ऑप्शन है, इस थीम के फ्री वाले में ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली आप क्या करें, आप यहाँ से दफ़ा कर्सर में आएँ। अब क्या होगा, मैं जिस पेज पर क्लिक करूँगा ना वाला पेज ओपन हो जाएगा, या जिस कैटेगरी पर क्लिक करूँगा और उस कैटेगरी के ऊपर हम लोग आके वहाँ पे येलो पेंसिल चल रहा होगा। अब बताएं, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से गायब करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हाइड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करके नीचे आकर एडवांस में उसकी ऑफ कर देते हैं, ठीक है, कि भाई वो डेस्कटॉप में शो ना हो। चलिए ओके, हमने रिमूव भी कर दिए। देखिए यहाँ पर एक रो भी लगी हुई है जो कि एक गैप ऐड हुआ हुआ है। ये ले, इतना बहुत है। चलो अब देख लेते हैं। ये अब अच्छा लग रहा है। ये चीज़ मैं चाहता हूँ उस दिन भी। अब देखिए, अब आप जिस पे भी आएंगे, क्या बात है मेरी। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, फिर मैं कहूँगा मुझे करके दिखाएं। इन आइकन से कलर वाइड करने हैं। कैसे पहला स्टेप में क्या करूँगा? हाँ ठीक है, हो गया। टेक्स्ट में फिर बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड से तो इनके बैकग्राउंड पे कलर आ गया। फिर अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा सिंगल इंस्पेक्टर, हमें सिंगल कलर चेंज करना है। आना टेक्स्ट में था, बोला ठीक रही थी। ये अब थोड़ी अट्रैक्टिवनेस है ये इसके अंदर। एक सेकंड, ये चेंजेस क्यों नहीं है? ओहो, सिर्फ कैटेगरी के लिए हो गए हैं, ग्लोबल पे करना था। एक मिनट, मैं ज़रा कुछ और पंगे लूँ हल्के से। कहीं पे भी क्लिक करके कुछ भी करके एक दफ़ा मैं इसको वापस ले आता हूँ। चलो, अब देखिए मेरे मिस्टेक क्या हुई है। मैं कैटेगरी के अंदर था ना, तो यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ था कैटेगरी टेम्पलेट के ऊपर, जबकि मैंने करना क्या था कि यहाँ पर आके मुझे मेन पे आना चाहिए था और वहाँ से इसको करना चाहिए था, क्योंकि अब कैटेगरी में तो ये चेंज हो गए हैं लेकिन मेन पे ये चेंज नहीं है। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। कोई नहीं, अब हो गए। मैंने फिर एक मिस्टेक की है। चलो, ये चीज़ें हमारी ओके हो गई हैं। इस प्लगइन का नाम क्या था? चलो, ये देखिए, ठीक है। हमारा मोबाइल व्यू भी ओके है, कोई भी चीज़ हमारी ख़राब नहीं हुई। ये मेन्यू में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसको हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे। ये बैकग्राउंड पे चला गया। और लेट्स से आप लोग कहते हैं कि भी सर हमने जितनी भी चेंजेस की है हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं ताकि सारी सेटिंग वापस आ जाए जो पहले वाली थी हमारी। तो आपने उसके लिए क्लिक करना है येलो पेंसिल के ऊपर। यहाँ पर आपके पास शोर होगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर पंगे लिए हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, डिलीट डिलीट करते जाएं। मैं डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। तो हमारी वेबसाइट ओरिजिनल लोकेशन और ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी। ठीक हो गया। बस आज का हमारा यही था।